वृश्चिक राशि वालों, इस संसार में मनुष्य के लिए श्रेष्ठ बनना ही महान सौभाग्य होता है। जो व्यक्ति सफल होने के लिए प्रयत्नशील है वह बहुत धन्य होते हैं, क्योंकि जीवन का यह शरीर रूपी महल समय के घंटे मिनटों ईट से चुना गया है। यदि आपको जीवन से प्रेम है, सफलता ही जीवन मंत्र है, तो समय को व्यर्थ नष्ट न करें, क्योंकि मरते दम तक सकारात्मक व्यक्ति ही सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए अगर आप मार्च महीने में सकारात्मक होकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि मार्च महीने में कुछ तो अलग होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्च महीने में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। धन, जॉब, प्रेम, परिवार, शिक्षा के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानकारी दूंगा, और यह जानकारी आपको ग्रहों की गोचर की स्थिति के आधार पर मिलने जा रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को न केवल सुनना है लेकिन समझना है, क्योंकि मुझे विश्वास है मार्च महीने में परिवर्तन आने वाला है, और उसके दो महत्वपूर्ण वजह है। पहली वजह, आपकी गोचर कुंडली में इस महीने में मंगल शुक्र आपके धन भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य बुध राहु आपके पंचम भाव में होंगे। दूसरी वजह, 11 फरवरी से शनिदेव आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में अस्त हो गए हैं, और वह 18 मार्च को पुनः मूल स्थिति में पहुंचेंगे। दोस्तों, जब जब ऐसी स्थिति हुई है तो देश दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। युद्ध विस्फोट जैसे हालत में जनता प्रभावित होती है, कुछ पेचीदा बीमारियां लोगों को कष्ट देती है, राजनीतिक उग्रता के साथ उपद्रव की स्थितियों का जन्म होता है, नए गठबंधन बनते हैं, भूस्खलन के साथ साथ शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। फिलहाल के लिए आइए जानते हैं वृश्चिक राशिफल मार्च 2024। वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और वह आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित है, साथ में वह शनि से प्रभावित है। जब जब भी किसी नए महीने का प्रारंभ होता है और शनि ग्रह अस्त होते हैं, तो वह कुछ समय के लिए आर्थिक तंगी महसूस करवाते हैं, कार्यों में परिश्रम की वृद्धि करवाते हैं। आपको लगता है कि कार्य असंभव है, वैवाहिक जीवन में डामाडोल की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं, विश्वासघात या विश्वास में कमी जैसी स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, 7 मार्च 2024 को बुध ग्रह जैसे ही आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे, तो वह एकदम से ही आपके कर्म की रफ्तार को बढ़ा देंगे, भाग्य में अवरोध बाधाओं को दूर कर देंगे, कार्य व्यापार में उन्नति होगी, तो आपके लिए लिए गए निर्णय सटीक रहने लगेंगे, आपके निर्णयों की सराहना होगी, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत बनेंगे, परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी आपका सहयोग करने लगेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं वस्त्र विवाह से संबंधित व्यक्तियों की राह आसान होने लगेगी, करियर के मामले में कई तरीके के न केवल अवसर उपलब्ध होंगे, लेकिन अगर आप बार बार कार्य बदल कर भी सफल नहीं हो रहे थे, आप स्थिरता चाहते थे, आप चाहते थे कि आपका कार्य सफल हो, बार बार नौकरी बदलने की स्थिति दूर हो, तो मार्च महीने में परिस्थितियों का लाभ मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च के बाद आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी शुक्र के साथ ही आपके चतुर्थ भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तो वह आपके कार्यों में तरह तरह से हो रही रुकावटों को खत्म करेंगे। अगर आपका किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामलों में चुनौतियां मिल रही है, तो उनसे निजात मिलेगी, अधिकारियों के साथ विवाद खत्म होगी। पहली बड़ी घटना आपके चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति से बनेगी। सरकार में आपका जो लंबित कार्य है वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, आपका प्रयास सफल होगा, अधिकारी का सहयोग मिलेगा, आप किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो वह प्राप्त होगा। दोस्तों, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, महालक्ष्मी समुद्र से निकले और भगवान विष्णु के गले में पुष्प माला पहनाई, वैसे ही लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको मार्च महीने में प्राप्त होगी। अगर आपका बिजनेस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या फिर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, या आपका बिजनेस फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि आपकी संपत्ति में अचानक से वृद्धि होगी, आपके प्रोडक्ट बिकेंगे, आपके प्रोजेक्ट बनेंगे। अगर आप छोटी दुकान चला रहे हैं या फिर छोटा व्यापार, इनकम इस महीने दो गुनी अवश्य होगी।
दोस्तों जब जब भी मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में होते हैं तो वह न केवल रियल एस्टेट से संबंधित लोगों को लाभ देते हैं, लेकिन जिनकी जमीन प्रॉपर्टी बिक नहीं रही होती उन्हें अच्छे दाम पर बेचकर लाभ देते हैं। भूमि से संबंधित लाभ मिलता है, खासकर कृषि से संबंधित जो व्यापारी है या फिर जो स्वयं अन्नदाता है उनकी उपज का उच्चतम मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि उनकी फसल है उसका जो पैसा है वो पूरा मिलता है। दोस्तों जो जीवन तत्व को अग्रसर करने वाला है, उसे चैतन्य बनाने वाला है, प्रकाश देने वाला है जो मूल तत्व है, वह सूर्यदेव जैसे ही 14 मार्च को आपके पंचम भाव में पहुंचेंगे तो दूसरी घटना घटित होगी। नौकरी में स्थानांतरण के साथ कार्य संबंध में यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। देश में और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने वालों की इच्छा पूरी होगी। जीवन साथी से अच्छा तालमेल बनने लगेगा। प्रेम जीवन में भी रिश्ते सुधरने लगेंगे। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सार्थक रिजल्ट प्राप्त होंगे, शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं आईटी के संबंधित छात्रों को और कर्मचारियों को अच्छे अवसर के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। पंचम भाव में राहु उपस्थित है तो वह आपके किए गए निवेश को अचानक से बढ़ा देंगे या फिर आपके धन का निवेश ऐसी जगह करवाएंगे जिनका आपको लाभ फटाफट प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का होता है और राहु वहां पर आकस्मिक रूप से लाभ देने पर मजबूर होते हैं, वो देते भी है। 18 मार्च को जैसे ही शनिग्रह अपनी पूर्ण स्थिति को संभालेंगे वैसे ही केंद्र से सहयोग, विदेशी मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार मिलेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जहां सूर्य देव आपकी गरिमा की वृद्धि करवाएंगे तो शनि आपके साथ हो रहे अन्यायी को खत्म करेंगे। अगर आप विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर सफल रहेंगे। अगर आपका निवास नदी, तालाब या समुद्र के पास है, उनके किनारे है, तो मार्च में आपकी बड़ी मनोकामना, बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। सेकंड हाउस के लॉर्ड गुरु की चतुर्थ दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ती है तो वह दिए गए धन को वापस देते हैं, परिवार में अलगाव की स्थितियों को दूर करते हैं, प्रेम विवाह में आ रही अड़चन को दूर करते हैं। दोस्तों मार्च महीने में सफलता, समृद्धि और मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कुंडली में कई महत्वपूर्ण सुयोग है जो आपको सफल बनाएंगे, ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, तो कई दुर्योग भी है जो आपकी मेहनत को व्यर्थ कर सकते हैं, संघर्ष करवा सकते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, विश्लेषण करें और आगे बढ़े, समाधान ढूंढे। आप देख रहे थे मार्च 2024 वृश्चिक राशिफल। जय गुरुदत्त, जय गिनारी।